गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी है और बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए भी है, जिनका भी जनरल साइंस पेपर जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट में लिया हुआ है उनके लिए ये क्लास रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आती है, इसमें आपके लिए क्वेश्चन दिया है कि जो कोशिका है वो क्या होता है, कोशिका क्या होता है। फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि जो कोशिका की संरचना क्या होती है। फिर क्वेश्चन दिया है प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो इन सबको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि जो कोशिका है वो क्या होती है। ठीक है, कोशिका है वो क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, हमें नहीं पता है कुछ। तो जो कोशिका है, सेल जो है, द सेल, सेल क्या है आपकी कोशिका। ठीक है, कोशिका को क्या बोलते हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है। तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, मतलब जीवन की कार्यात्मक एवं गुणात्मक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, सेल। जो हमारी बॉडी है वो सेल से ही सबसे छोटी इकाई जो है, यदि हमारा, मान लीजिए ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले सबसे छोटी इकाई जो है इसमें पार्ट ले रही है, भाग ले रही है, वो है आपकी सेल। ठीक है, कई सारे सेल मिलकर, बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाएंगी, टिश्यू का निर्माण करेंगी। किसका निर्माण करेंगी, टिश्यू मतलब ऊतक का निर्माण करेंगी। जो कोशिकाएं हैं, बहुत सारी जब कोशिकाएं मिल जाएंगी तब क्या करेंगी, वो ऊतक का निर्माण करेंगी। टिश्यू बहुत सारे मिलकर, टिश्यू बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा बॉडी या फिर शरीर। जैसे हमारा आंख है, हाथ है, नाक है, कान है, आपका हेड है, कि क्या है हमारे ऑर्गन है कि नहीं है, है कि नहीं है। तो वो ऑर्गन से मिलकर हमारी बॉडी जिस तरह से बन रही है, तो वो ऑर्गन किससे मिलकर बन रहे हैं, टिश्यू मतलब ऊतक से, और ऊतक किससे मिलकर बन रहे हैं, कोशिका से। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, कोशिका हो गई कि नहीं हो गई। जैसे मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, कोई सब्जी आपने ली, तो उसमें जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट है वो क्या हो जाएगा, आपका वेजिटेबल ही हो जाएगा। फिर बाद में आप उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, जैसे आप उसमें नमक ऐड कर रहे हैं, आप उसमें धनिया ऐड कर रहे हैं, आप उसमें मिर्ची ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो आपका मेन इंग्रेडिएंट क्या है, सब्जी। मान लीजिए आपको आलू की सब्जी बनानी है, तो आपने क्या लिया है, सबसे पहले आलू, यदि आलू ना हो सिर्फ हमने इसमें जीरा डाल दिया, धनिया, मिर्ची, टमाटर सब डाल दिया, लेकिन आलू ही नहीं है तो कैसे सब्जी बनेगी। तो वही इंग्रेडिएंट क्या है, वही महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, आपकी सेल। यदि सेल नहीं होगी तो आपकी बॉडी का निर्माण नहीं हो सकता।
आपके पाए जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये आपके पाए जाएंगे सभी प्रकार के कोशिका द्रव में जो ये सब पाए जाते हैं। अब उन्होंने कहा है आपके में क्वेश्चन है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें अंतर क्या है। उन्होंने कहा कि उनमें डिफरेंस बताइए, तो जब आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका ही नहीं पता तो उसमें क्या आप डिफरेंस बताएंगे। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो मादा कोशिका में पाई जाती है और यूकैरियोटिक जन्म कोशिका में, ठीक है। आपको बताए दे रही हूँ।